हमारे चैनल अहमद इन्फोटेक को सब्सक्राइब करें और इस बेल आइकन पर जरूर प्रेस करें, जिससे आपको हमारी हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन इजीली मिल जाए और हमारे साथ बने रहें। हेलो दोस्तों, वेलकम टू अहमद इन्फोटेक। आज हम आपके लिए जो वीडियो लेके आए हैं ये हमारी एरोप्लेन्स के ऊपर है। एरोप्लेन्स के ऊपर मींस हम आपको बताएंगे कि एरोप्लेन्स में आज जो कलर होते हैं हमारे, एरोप्लेन्स मोस्टली कलर क्यों नहीं होते हैं, मोस्टली एरोप्लेन वाइट क्यों होते हैं, ये सारी चीज़ें आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। तो इस वीडियो को देखने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद उस बेल आइकन पर जरूर प्रेस कर दीजिए, जिससे कि आपको हमारी हर नेक्स्ट वीडियो नोटिफिकेशन चीज़ें मिल पाए, जिससे कि हमारी कोई भी वीडियो मिस ना कर पाएँ, क्योंकि हम आपके लिए कुछ ना कुछ चीज़ें लाते रहते हैं, आपको कुछ ना कुछ सिखाते रहते हैं। हाँ, मानते हैं कि हमारी वीडियोज़ हैं वो काफ़ी थोड़ी लेट आ रही हैं, तो इसके लिए हम आपसे माफ़ी मांगते हैं। तो क्योंकि हमारे कुछ प्रॉब्लम्स चल रही हैं, तो इसलिए हम इस प्रॉब्लम को जल्दी ही सॉल्व कर लेंगे और जल्दी ही सॉर्ट आउट कर देंगे। तो हम बात करते हैं कि एयरप्लेन्स हमारे वाइट क्यों होते हैं। अगर आपने कभी सोचा होगा, आपने मोस्टली ऐसी ये इन चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान नहीं देते, क्योंकि उन लोगों की लाइफ इतनी बिजी हो चुकी है कि वो ऐसी चीज़ों पर ध्यान ही नहीं देते। तो हम आपको ऐसी जो कुछ साइंटिफिक चीज़ें हैं इनके बारे में आपको बताते हैं अभी। तो हमारे जो मोस्टली हम आप बात जो करेंगे आज हम, तो एक हमारे जो टॉपिक होगा एक साइंटिफिक होगा, एक इकोनॉमिक होगा। साइंटिफिक में क्या क्या होगा कि साइंटिफिक में चलो हम बताते ही हैं आपको, पूरी वीडियो ही बताते हैं यार। क्या मैं आपको समरी बताऊं, पूरा वीडियो में आपको बता देता हूं कि साइंटिफिक क्या है हमारे पास। साइंटिफिक जैसे आप जानते हैं कि थर्मल की एडवांटेज क्या होती है। थर्मल जैसे कि आप जानते हैं कि हमें जो पहले के ज़माने के लोग थे, मतलब हमारे जो दादा परदादा हैं, तो वो लोग बोलते हैं कि आप वो ऐसा होता भी है कि गर्मियों में हम वाइट कपड़े पहनते हैं। गर्मियों में हम वाइट कपड़े क्यों पहनते हैं, आपने कभी सोचा है कि गर्मियों में हम वाइट कपड़े पहनते हैं और हमें जो है गर्मी कम लगती है। वहीं अगर हम कोई कलर कपड़े पहने, कोई कलर जैसे रेड हो गया, वाइट रेड हो गया, ग्रीन हो गया, ब्लू हो गया, ब्लैक हो गया, तो उसमें हमें ज़्यादा गर्मी लगती है, लेकिन वाइट कपड़े पहनते हैं तो उसमें कम लगती है। तो ऐसा क्यों होता है, तो मैं आपको बताता हूँ कि वाइट कपड़े जो होते हैं वो हाईली रिफ्लेक्टिव होते हैं। उसमें जो है 99% जो रेज होती हैं वो रिफ्लेक्ट हो जाती हैं उसमें। तो यही रीज़न है कि हमारे जो एरोप्लेन्स होते हैं वो वाइट होते हैं। क्या ऐसा क्यों होता है, उस सन में जैसे कि आप जानते हैं कि सन है, तो सन से काफ़ी ज़्यादा इन्फ्रारेड रेज निकलती हैं, वो जो कि इन्फ्रारेड जो रेज होती हैं वो काफ़ी ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करती हैं। तो अगर हमारे जो प्लेन्स होते हैं वो जो वाइट होते हैं, तो उससे जो है वो रेस टकराती हैं, वो रेस टकराने के बाद वो वापस चली जाती हैं, जिससे कि वो जो हमारे जो प्लेन होता है वो गर्म नहीं हो पाता। तो हमारे जो पैसेंजर होते हैं उनको कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो पाती। और ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है, क्योंकि अगर हमारे एरोप्लेन की बॉडी अगर गर्म होगी तो उसमें जो है गर्म होने के बाद वो हीटअप हो जाएगी, हीटअप होने के बाद पैसेंजर को भी अनकम्फर्टेबल फील होगा। तो इसीलिए हम जो है मोस्टली जो हमारे प्लेन्स होते हैं उसको हम वाइट रखते हैं, और वाइट रखते हैं इसी यही सबसे बड़ा रीज़न है इसका कि हम मोस्टली एयरप्लेन को वाइट क्यों रखते हैं। अगर हम नेक्स्ट हमारा क्या साइंटिफिक रीज़न होता है कि अगर हम कोई भी आप जानते हैं कि कोई भी वाइट चीज़ होती है उस पर अगर छोटा सा भी कट लगता है तो हमें पता चल जाता है। तो इसी तरीके से अगर हमारे प्लेन है कोई भी छोटी सी प्रॉब्लम आती है, या फिर जैसे कोई भी छोटी सी प्रॉब्लम आती है जैसे कि फ्यूज़ लैग होता है या डेंट आ गया, तो उसे इजीली नोटिस किया जा सकता है। बेसिकली जो प्लेन होते हैं उसमें अगर हम उसका कलर है तो उसको हम इजीली जो है आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि यहाँ पे हमारी प्लेन में प्रॉब्लम आ रही है। तो इससे क्या होता है कि जो हमारे जो एक्सटर्नल इंस्पेक्शन होता है वो ईजिली हो जाता है, और जो पैसेंजर होते हैं उनको काफ़ी जो है सेफ्टी मिल जाती है। तो अगर हम अपने नेक्स्ट की बात करें तो नेक्स्ट क्या होता है, नेक्स्ट जो होता है जैसे कि आप जानते हैं कि वाइट कलर जो होता है वो काफ़ी रिफ्लेक्टिव होता है, वो हाईली रिफ्लेक्टिव होता है, तो इसको आराम से इजीली स्पॉट किया जा सकता है। क्योंकि अगर कोई भी प्लेन में जैसे कोई भी मिसहैपीनेस हो गई या एक्सीडेंट हो गया तो उसको इजीली स्पॉट किया जा सकता है, और स्पेशली नाइट में स्पॉट किया जा सकता है, क्योंकि नाइट में अगर वाइट चीज़ें जल्दी इजीली दिख जाती हैं। और अगर हम बात करें कि प्लेन समुद्र में गिर जाते हैं तो उनके एक्सीडेंट के बाद हम उसको इजीली देख सकते हैं। और अगर हम बात करें अभी, ये तो कुछ हमारे जो थे ये साइंटिफिक रीज़न थे।
अगर हम बात करें इकोनॉमिक रीज़न की, इकोनॉमिक रीज़न क्या होते हैं, तो इकोनॉमिक रीज़न जो हमारा पहला रीज़न है, तो पहला रीज़न हमारा ये है कि अगर हम प्लेन को, कोई भी प्लेन है हमारे पास, उसको अगर हम पेंट करवाते हैं, अगर तो पेंट करवाएंगे उसको, तो हमारे, आपको जैसे आप जानते हैं कि प्लेन काफ़ी हैवी होता है, तो उसको पेंट करवाने पहली बात आपका काफ़ी ज़्यादा बजट आ जाएगा, काफ़ी ज़्यादा खर्चा आएगा। दूसरी बात जो हमारी है, उसमें हमारा टाइम ज़्यादा जाएगा, और टाइम तो जाएगा ही जाएगा, आपकी काफ़ी टाइम वेस्ट होएगा, आपको जो पेंट करेगा उसमें आपका काफ़ी खर्चा लगेगा। और तो सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि अगर आप जो पेंट करवाते हैं, तो पेंट आप जानते हैं कि पेंट में भी वेट होता थोड़ा, तो उससे प्लेन का वेट बढ़ जाएगा। प्लेन का वेट बढ़ने के बाद क्या होगा कि प्लेन का जब वेट बढ़ गया, तो जितना ज़्यादा वेट हो जाएगा उतना ज़्यादा उस इंजन जो है फ्यूल लेगा, और वो इसी तरीके से, मतलब वो जो कीमत है उसकी, फिर बजट वो आपका हाई हो जाएगा। तो सबसे बड़ा रीज़न यही है कि हम प्लेन को, मोस्टली प्लेन हमारे जो वाइट क्यों होते हैं, तो सबसे बड़ा रीज़न यही है। तो अगर हम बात करें कि, अगर हम बात करें सेल कौन सा जल्दी हो जाएगा, वाइट जल्दी सेल होता है या कलर वाला जल्दी सेल होता है, तो सबसे जल्दी अगर सेल होगा तो वाइट सेल होगा। क्यों सेल होगा वाइट? क्योंकि वाइट जो होता है उसमें कोई भी खर्चा नहीं होता, और वाइट के कोई भी डिसएडवांटेज नहीं है, और जो कलर वाले प्लेन है उसमें डिसएडवांटेज है। जैसे कि आप जानते हैं कि अगर हम कोई भी कलर वाला, कोई भी कलर की चीज़ लेते हैं, उसको हम पेंट करना पड़ेगा। तो अगर हम एरोप्लेन की बात करें, तो एरोप्लेन में अगर हम एरोप्लेन लेते हैं अगर, तो उसको हमें पेंट करना पड़ेगा वाइट, क्योंकि वो जैसा कि मैंने आपको बताया कि कुछ साइंटिफिक रीज़न की वजह से उसको हमें वाइट पेंट करना पड़ेगा। सबसे पहली बात तो उसमें जो है वाइट पेंट करना पड़ेगा, तो उसको जो, अगर हम कलर वाला जो एरोप्लेन बेचेंगे अगर किसी को, अगर हम किसी को सेल करेंगे, तो जैसे कि आप ही, आप कोई भी कलर वाला एरोप्लेन खरीद रहे हैं, तो आप क्या चाहेंगे कि मेरी जो कम से कम में मेरे को जितना हो सके मिल जाए, क्योंकि मुझे आगे भी इसमें काम करवाना पड़ेगा, क्योंकि आपको वो जो प्लेन होगा वो आपको वाइट करवाना पड़ेगा। इसीलिए जो कलर वाले एरोप्लेन्स होते हैं वो थोड़ा कम रेट होता है उनका, और जो वो वाइट वाला होता है उनका काफ़ी ज़्यादा अच्छा रेट होता है। तो अगर हम बात करें दूसरे रीज़न की, हमारे जो दूसरे इकोनॉमिक रीज़न की बात करें, तो जैसे कि आप जानते हैं कि प्लेन जो होता है वो काफ़ी ज़्यादा हाई एल्टीट्यूड पर रहता है, उसमें वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा अलग अलग तरह के एटमोसफेयर होते हैं, तो उससे जो हमारा कलर जो होता है हमारा वो फीड हो सकता है। इसकी वजह से हमें जो है काफ़ी बार मतलब हमें देखना पड़ता है कहीं कलर फीड तो नहीं हो गया, तो उसे हमें ज़रूरत पड़ती है बार बार पेंट करवाने की। इसमें जो आपका खर्चा आता है वो अलग आता है। तो इसमें जो मतलब कुल टोटली अगर हम बात करें कि, तो हमारे जो पेंट वाले जो एरोप्लेन्स होते हैं उसमें हाई मेंटेनेंस देना पड़ता है हमें, क्योंकि आपके जो इंजन होगा तो उसमें आपको फ्यूल ज़्यादा लग रहा है, तो वहाँ पे इंजन ज़्यादा काम कर रहा है, तो वहाँ पे भी आपको इंजन की भी देखरेख करनी पड़ेगी। और तो और हमारे जो पेंट है, तो वो अगर वो कहीं से फीड हो रहा है तो उसको भी देखरेख करनी पड़ेगी, वहाँ पे दोबारा पेंट करना पड़ेगा, तो हमारे जो मेंटेनेंस होता है वो ज़्यादा हो जाता है। तो इसीलिए मोस्टली जो प्लेन्स होते हैं वो वाइट होते हैं, और वाइट का कोई भी एडवांटेज नहीं है, वाइट के जहाँ भी है सब्जी का एडवांटेज है। तो इसलिए हमारे जो मोस्टली प्लेन्स होते हैं वो वाइट होते हैं। तो यही कुछ इन्फॉर्मेशन थी हमारे प्लेन के बारे में, कि हमारे प्लेन जो होते हैं मोस्टली वाइट क्यों होते हैं। तो आई होप आपको पूरी वीडियो समझ में आ गई हो, जो भी मैं समझाना चाहता था आपको, और आपको ये वीडियो पसंद आई हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई, प्लीज़ लाइक करना ना भूलें, कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी क्वेरीज हो, प्लीज़ कमेंट में जरूर लिखिएगा। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद उस बेल आइकन पर जरूर प्रेस कर दीजिए, जिससे कि आपको हमारी हर नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन ईजी मिल पाए, जिससे कि आप हमारी कोई भी वीडियो मिस ना कर पाएँ। ओके, आपके लिए रोज़ एक नई वीडियो, आपके लिए कुछ ना कुछ नया लाते रहते हैं, आपको कुछ ना कुछ सिखाते रहते हैं। तो हालांकि अभी हम, जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था, मैं आप फिर बोल दे रहा हूँ कि हम आप अभी रोज़ नहीं लेके आ पा रहे हैं आपके लिए वीडियो, हम जल्दी रोज़ के रोज़ आपके लिए वीडियो लेके आते रहेंगे। तो प्लीज़ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, और अब अगर आप हमारे चैनल पर नए आ गए हैं तो प्लीज़ हमारी और वीडियो जाके देखिए। अगर आप पहले भी रह चुके हैं हमारे चैनल पर, पहले से हैं, तो आप भी जाइए पहले हमारे और वीडियोज़ देखिए, हमने काफ़ी चीज़ें अपलोड कर रखी है, हमारे चैनल पर काफ़ी चीज़ें अपलोड है, आप उनसे जाके काफ़ी सारी नॉलेज ले सकते हैं। तो गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू सो मच, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।